वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईपीसी नेमिंग करने वाले हैं। कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक नेमिंग करना सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स नेमिंग करना भी सीखेंगे। मीन सिंपल से कैसे नेमिंग की जाती है सिंपल कंपाउंड की, और पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आईपीसी नेमिंग के रूल कैसे होते हैं और नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। वो हम लोग कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन करते करते बीच में ही सीख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर देखो, इस तरीके से चेन बनी, उसका नाम बताना है क्या होगा। सबसे पहले क्या सोचना है, हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अगर कोई साइड चेन है नहीं तो कोई बात नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी जाएगी भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो जाएगी। और यहाँ पे देखना कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड तो नहीं लगा है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं लगा हुआ, बिल्कुल लगाओ। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, OS लगाओ। OS का मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे अल्कोहल की बात की जा रही है, ठीक है, अल्कोहल लगा हुआ है। तो नेमिंग भी हम लोग अल्कोहल से करेंगे। 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। चार कार्बन से यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्यूट, ठीक है। और फर्स्ट पे लगा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनल हो जाएगा। ब्यूटेनल क्यों हमने बोल दिया डायरेक्टली, क्योंकि अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में लास्ट में क्या लगता है, AL, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, AL होता है, इसलिए हमने ब्यूटेन लिखा, E को हटाकर A, क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। वॉवेल कौन कौन से देखो एक बार ध्यान से, इसको ब्यूटेन लिखा हमने, ये हो गया चार कार्बन के लिए ब्यूटेन, और प्लस क्या लगाना है, अल लगाना है। तो ए और ई और ए एक साथ रह नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, याद है ना, पांच वॉवेल होते हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने यहां से ई को हटा दिया और यहां क्या लिख दिया, ब्यूटेनल लिख दिया, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से, इधर से करें या इधर से करें, नंबरिंग वहां से की जाती है जिधर से हमारा साइड चेन पास पड़ेगा। इधर साइड चेन पास पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो सेकंड भी क्या लगाओ, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, सेम ग्रुप लगाओ तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2, 2 उसकी पोजिशन के साथ। एक दो इसके लिए लिख दी, एक दो हमने इसके लिए लिख दिया, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए मैं यहाँ पे यूज करेंगे डाई, और है कौन से, ये एक कार्बन CH3 मतलब मिथाइल है ये, और चार कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो क्या हो जाएगा, 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन एक दिया गया है चेन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 देख के बता देंगे पेंटेन है, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट पांच कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन हो जाएगा। अगला कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है COOH। COOH कहने का मतलब कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। उसकी पहचान कैसे होती है, COOH से, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड। कितने कार्बन, 1, 2, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल है, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, ओइक लगा देना, प्रोपेनोइक एसिड। हर जगह सिंगल बॉन्ड है और कोई बॉन्ड है भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे साइड चेन देखना कहाँ पे लगा है, साइड चेन इधर से पास पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। सेकंड और थर्ड भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ, ठीक है, CH2 नहीं, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो 2, क्या हो जाएगा, 2, 3, और डाई हो जाएगा, डाई वर्ड यूज करेंगे, ये हमारा मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन क्या, एक सेकंड पे लगाओ, एक थर्ड पे लगाओ, क्या लिखेंगे, 2, 3, और दोनों सेम, इसलिए डाई वर्ड यूज करेंगे, मिथाइल हो गया। पांच कार्बन की चेन है इसलिए यहाँ पर हम लोग पेंट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देना है, ठीक। कितना आसान है नेमिंग करना। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखो नेमिंग करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करते क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इधर CH3 दोनों पास पड़ रहे, इधर से करेंगे, ठीक है। सेकंड पे क्या लगा, मिथाइल लगा, थर्ड पे भी मिथाइल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 2, 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन पे मतलब एक ही कार्बन, सेकंड वाले कार्बन पे ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और बगल वाले थर्ड कार्बन पे भी CH3 है, तो 2, 2, 3। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्राई, क्योंकि तीनों सेम है और है क्या, मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग करनी है। चार कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईपीसी नेमिंग करते हैं। सिंपल कंपाउंड हो तो, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया हो तो, इस तरीके से नेमिंग की जाती है, ठीक है।